डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था एनर्जी के बारे में। आज उसके बाद में हमने एनर्जी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के आपको बताए थे। आज हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में। पावर क्या होती है, आज हम लोग शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सामर्थ्य अथवा शक्ति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पावर। पावर और हिंदी में इसको कहते हैं सामर्थ्य अथवा शक्ति। तो पावर क्या है, शक्ति किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, किसी भी कार्यकर्ता यानी किसी भी व्यक्ति या मशीन, मान लीजिए जैसे हम हैं या कोई मशीन है, ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की समय दर को उसकी शक्ति कहते हैं। यानी कोई मशीन है या कोई व्यक्ति है और उसके कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, हम उसके व्यक्ति या मशीन की शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है डेल्टा टी समय में, या कोई व्यक्ति डेल्टा टी समय अंतराल में, या कोई व्यक्ति डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा डब्ल्यू कार्य करे, तब उसकी शक्ति अथवा सकते हैं, अथवा हमने क्या कहा इसको, क्या कह सकते हैं सामर्थ्य, तब उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या हो जाएगी, पी बराबर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो शक्ति क्या है, शक्ति को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। किसी भी कार्यकर्ता या मशीन, कार्यकर्ता का मतलब कार्य करने वाला, मशीन का मतलब कोई इंजन हो, के द्वारा, ठीक है, किए गए कार्य और उस कार्य को करने में लगे समय, किए गए कार्य और उस कार्य को करने में लगे समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा डब्ल्यू कार्य करे, तब उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य पी बराबर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगी। अब देखिए आगे, यदि ये समय अंतराल जो डेल्टा टी है बहुत सूक्ष्म है, तब क्या हो जाएगा, देखिएगा, यदि समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि यदि समय अंतराल बहुत कम है, तब यह समय अंतराल क्या है, बहुत कम है, तब कार्यकर्ता यानी जो कार्य करने वाला है या मशीन की तात्क्षणिक सामर्थ्य, तब व्यक्ति या मशीन, व्यक्ति केवल लिख दीजिए, मशीन नहीं लिखिए, व्यक्ति या मशीन मतलब कार्यकर्ता हो या कोई इंजन हो, तब व्यक्ति की तात्क्षणिक का मतलब तात्कालिक, तात्क्षणिक का मतलब क्या हो जाएगा, तात्कालिक, तब तात्क्षणिक सामर्थ्य, तात्क्षणिक सामर्थ्य क्या हो जाएगी, पी बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू अपान V।
टी, तब इसको किससे लिखेंगे, डी डब्ल्यू से लिख देंगे, यानी कार्य को डी डब्ल्यू से लिखेंगे और समय को किससे लिख देंगे, डी टी से लिख देंगे, समय को किससे लिख देंगे, डी टी से लिख देंगे। अब देखिए इधर शक्ति आपको स्पष्ट हो गई, शक्ति को किससे लिखा जाएगा, पी से, पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य और उस कार्य को करने में लगे समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। इसके मात्रक और इसकी बात हम आगे करेंगे, तो इसको सबसे पहले आपको नोट कर लीजिए दोनों भाई। अब पुनः देखिए हम लोग बात करेंगे फोर्स की किसके पद में, कि कार्य सॉरी शक्ति की बात हम करेंगे बल के पदों में, यानी बल के पदों में शक्ति। तो अब हम क्या एडिट डालेंगे, बल के पदों में शक्ति, यानी अब हम लोग कार्य की बात करेंगे किसके पदों में, बल के पदों में शक्ति। तो देखिए इधर मान लीजिए कि किसी नियत बल F के द्वारा किसी कण को जो वेग v बराबर ds अपान dt से गतिशील है, तो उसका तात्क्षणिक सामर्थ्य क्या हो जाएगा। देखिए इधर मान लेंगे हम, ठीक है ना, देखिए किसी नियत बल वेक्टर F द्वारा गतिशील किसी कण का किसी नियत बल F द्वारा गतिशील किसी कण का, मतलब कोई नियत बल लगाया जाता है किसी कण पर, तो जब बल लगाएंगे तो कण क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। तो गतिशील कण का वेग v बराबर ds अपान dt है, किसी नियत बल F द्वारा गतिशील किसी कण का वेग v बराबर ds अपान dt है, तब हम क्या निकालेंगे, उसके आगे हम तब निकालेंगे, तब तात्क्षणिक सामर्थ्य, तब तात्क्षणिक सामर्थ्य क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक सामर्थ्य पी बराबर पी डब्ल्यू अपान डी टी, पी बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपान डी टी। अब देखिए इधर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, पी बराबर डी अपान डी टी, आप पढ़ चुके हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक है ना, डब्ल्यू बराबर आपने क्या पढ़ा है, एफ एस। लेकिन यहां देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका हो जाएगा डी अपान डी टी, और उसके बाद देखिए यहां पे मान लीजिए कि बल कितना लग रहा है एफ, और देखिए विस्थापन ये क्या है, यहां पे लिखा जाएगा डी एस, विस्थापन क्या लिखेंगे, डी एस लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसका जो वेग है, यानी इस वेग से गतिशील है भी बराबर डी वी डी एस अपान डी टी, तो उसका विस्थापन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बल तो हम डब्ल्यू के स्थान पे एफ लिखेंगे और विस्थापन हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू के स्थान पे डी एस लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ी सी बात यहाँ पे ऐसे भी हम कर सकते थे कि मान लीजिए कि ये विस्थापन परिवर्तन है ना, तो इसको हम विस्थापन परिवर्तन को ऐसे लिख सकते थे, एफ कार्य के स्थान पर विस्थापन क्या लिखेंगे, एस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पी बराबर आपका हो जाएगा, यह एफ तो आपका
बाहर आ जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एस अपान डी टी। अब देखिए डी एस अपान डी टी इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं वी, क्योंकि ये विस्थापन परिवर्तन की दर है और विस्थापन परिवर्तन की दर का मतलब ये क्या है, वेग है। तो पी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, एफ डॉट क्या मिल जाएगा, बी। पी बराबर मिल जाएगा एफ डॉट बी मिल जाएगा। अब देखिए इधर ये तो आपका वेक्टर के रूप में है, ये क्या है वेक्टर के रूप में, इसके देखिए इससे एक हमको संबंध भी मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है कि मतलब ये दो सदिश का, जब एक सदिश तो आपका फोर्स है और दूसरा आपका सदिश क्या है विलास्टी है वेग है, तो जब दो सदिशों का ये डार्क बीच में लगा, इसका मतलब जब अधिश गुणन होता है तो परिणामी रिजल्ट क्या मिलता है, अधिश मिलता है। ये शक्ति जो है पावर, ये स्केलर क्वांटिटी है, अधिश राशि, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका मिल गया। आप देखिए इस प्रकार यहाँ से हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शक्ति दो सदिश राशियों बल व वेग के अधिश गुणन से प्राप्त होती है, अतः वह एक अधिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। पुनः यदि बल, देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल गया, P बराबर मिल गया एफ डॉट बी। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अरे बहुत आराम के साथ स्पष्ट रूप से हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शक्ति दो सदिश राशियों बल व वेग के अधिश गुणनफल से प्राप्त होती है, अतः यह एक अधिश राशि है। अब देखिए यदि 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 पुनः बल तथा वेग एक ही दिशा में हो, बल तथा वेग एक ही दिशा में हो, तो क्या हो जाएगा, बल और वेग अगर एक ही दिशा में होंगे तो आपका हो जाएगा P बराबर उनका अधिश गुणन क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस जीरो। जब एक ही दिशा में होंगे तो थीटा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो का मान एक हो जाएगा, यानी P बराबर आपको क्या मिल जाएगा, एफ बी मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ बराबर पी बाई डी, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाई बी लिख सकते हैं। ये शक्ति किसके पदों में हो गई, बल के पदों में हो गई। अब देखिए यहाँ से सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि यदि देखिए बल बल समानुपाती है शक्ति के, यानी बल का मान बढ़ाया जाएगा, शक्ति का मान बढ़ेगा, और देखिए बल जो समानुपाती है वेग के, ठीक है, तो अगर वेग का मान बढ़ाया जाएगा तो बल का मान घटेगा, और अगर बल का मान घटाया जाएगा तो वेग का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ से हम आसानी के साथ इस बात को हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम कुछ बोल सकते हैं कि देखिए अगर शक्ति नियत है, शक्ति को अगर आप बढ़ाएंगे, अगर शक्ति नियत है तो फोर्स भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, लेकिन अगर शक्ति को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन अगर वेग को आप बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपान बी। यही कारण है कि जो खराब सड़कें होती हैं, खराब सड़कों पर किसी विराम अवस्था में खड़े वाहन को गति अवस्था में लाने के लिए उसे लो गियर, यानी प्रायः पहले लो गियर में, यानी प्रायः ऐसा कह सकते हैं कि पहले या दूसरे गियर में रखना पड़ता है। अब हम लोग आगे इसको आप नोट कर लेंगे, ये आपका बल के पदों में शक्ति आ गया। अब हम लोग इसके मात्रक और विमा की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे शक्ति के मात्रक की और शक्ति के विमा के बारे में, कि शक्ति की विमा क्या होती है और शक्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए इधर P बराबर होता है W बाई टी, ठीक है ना, P का मात्रक बराबर हो जाएगा W का मात्रक बटे T का
मात्रा, डब्ल्यू का मात्रक काल, काल का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का मात्रक सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या मिल गया जूल प्रति सेकंड, क्या मिल गया जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। यहां आप लोग देखिए शक्ति का एसआई मात्रा जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है जूल प्रति सेकंड होता है। अब देखिए इधर एक जूल जिसे वाट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं वाट भी कह सकते हैं जूल पर सेकंड को। तो यहां हम लिखते हैं एक जूल प्रति सेकंड बराबर होता है एक वाट के। अगर कहीं पे एक जूल पर सेकंड लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कह सकते हैं एक वाट कह सकते हैं। यानी एसआई मात्रक चाहे आप जूल पर सेकंड बोलिए या आप वाट बोलिए दोनों सही है। एक जूल पर सेकंड बराबर किसके होता है एक वाट के होता है। ठीक है ना, अब देखिए ऐसे हम इसको कह सकते हैं, मान लीजिए आपका मिल गया एक वाट बराबर लिखा है कहीं पे एक जूल बटे एक सेकंड। तो यहां से हम परिभाषा भी बोल सकते हैं इसको देख करके, और हम परिभाषा भी बोल सकते हैं लिखा है एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड। तो इससे हम डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इससे हम परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी मशीन द्वारा एक सेकंड में, ठीक है, एक जूल किसी मशीन द्वारा एक सेकंड में एक जूल कार्य किया जाए तो उसकी शक्ति एक वाट कहलाती है या होती है। किसी मशीन द्वारा एक सेकंड में यदि एक जूल कार्य किया जाए तो उसकी शक्ति एक वाट कहलाती है या एक वाट होती है। ठीक है ना, तो यहां से हम आगे बात करेंगे और क्या होता है। देखिए इधर इसका मात्रक एक ये भी होता है एक अश्व अश्व शक्ति, अश्वशक्ति का मतलब हॉर्स पावर, इसको कहते हैं संकेतिक भाषा में एच पी, एक एच पी एक हॉर्स पावर यानी एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्वशक्ति बराबर कितने के होता है 746 वाट के होता है। देखिए यहां पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको मिला है कि एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड। ठीक है ना, यहां अगर आप जानते हैं कि एक एक जूल बराबर होता है 10^7 अर्ग के, एक जूल बराबर क्या होता है 10^7 अर्ग के। तो अगर यहां पे ये अर्ग में हो तो आपका ये कैसे बन जाएगा, तो देखिए इधर एक वाट बराबर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10^7 अर्ग प्रति सेकंड। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 10^7 अर्ग प्रति सेकंड तो इसको भी आप एक वाट बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके मात्रक हो गए एक अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर एचपी बराबर होता है 746 वाट के, एक वाट बराबर एक जूल पर सेकंड होता है। अब यहाँ पे देखिए मात्रक हो गया, अब हम विमा की बात करेंगे तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। अब हम लोग निकालेंगे विमा की, विमा क्या होता है शक्ति का, विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिए P बराबर W/T, तो देखिए P की विमा, देखिए W के स्थान पे W बराबर आप जानते हैं क्या होता है,
डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट एस। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एस बटे टी, ठीक है ना। अब एफ एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एस का मात्रक क्या होता है, मीटर, और नीचे टाइम समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। देखिए बच्चों, आपको बीमा कभी याद नहीं करना है, मात्रक और बीमा अगर आप सूत्र से निकालेंगे तो आपका मजबूत रहेगा। अगर आप याद करके सोच रहे हैं कि हम लिख देंगे तो ये आपका बहुत गलत तरीका है। इसलिए मात्रक और बीमा हमेशा आपको निकालने का ही तरीका जानना है, ये नहीं कि आप निकालते नहीं है, रट्टू मारते हैं तो रट्टा मारने वाला काम मत रखना, ठीक है। देख करके आप उसको लिखेंगे तो आपको और आगे बढ़िया से तैयार रहेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो ट्रिक तरीका आपको पता हो उसी से आप उसको निकालेंगे। तो देखिए न्यूटन, आपको हमने ये भी पढ़ाया है कि एक न्यूटन बराबर होता है एक किलोग्राम, एक न्यूटन बराबर एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर, इसको हम लिख सकते हैं बराबर, ये न्यूटन के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम किलोग्राम मीटर मीटर बटे सेकंड सेकंड, और इनटू क्या हो जाएगा मीटर, और बटे नीचे क्या हो जाएगा सेकंड। ये आपका सेकंड में ये सेकंड स्क्वायर होगा, सेकंड के पावर टू होगा, ठीक है ना। अब ये इतना जो लिखा गया है ये किसके स्थान पे लिखा गया है, न्यूटन के स्थान पे लिखा गया है, किसके स्थान पे लिखा गया है, न्यूटन के। तो अब ये सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा और ये आपका आगे क्या हो जाएगा, तो ये आगे आपका हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का पावर थ्री। अब देखिए किलोग्राम को बीमा में किससे लिखते हैं, यम से, मीटर को किससे लिखते हैं, एल से, तो एल का पावर टू, एम एल का पावर टू, समय को किससे लिखते हैं, टी से, तो टी का पावर थ्री। अब ये टी का पावर थ्री ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस थ्री, ये क्या आ गया, तो ये आपकी शक्ति की बीमा है। ये किसकी बीमा है, शक्ति की बीमा है। तो आज हम लोगों ने केवल शक्ति के बारे में बात किया है, शक्ति के मात्रक के बारे में बात किया है, शक्ति के बीमा के बारे में बात किया है, बल के पदों में शक्ति को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बात किया है, और अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे शक्ति से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में जो एनसीईआरटी के बुक में दिए हैं, ठीक है। आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद, शुभ दिन।